हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाउ टू रिफंड HDFC क्रेडिट कार्ड पेमेंट। किसी भी रीज़न के वजह से आपको अपना HDFC क्रेडिट कार्ड का पेमेंट रिफ़ंड करना है तो कैसे करेंगे, यही आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो एंड तक देखना। चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी हेल्पफुल इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप देख सको। यहाँ पे आपको सबसे पहले ईमेल के थ्रू रिक्वेस्ट करना है, तो आपको यहाँ पे ईमेल ओपन कर लेना है। जैसा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, सेम टू सेम आपको भी वैसा ही यहाँ पे फॉलो करना है। तो यहाँ पे जीमेल ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा। कंपोज पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको कॉलम वाइज लिखना है। सबसे पहला कॉलम आएगा नेम का, जहाँ पे आप अपना पूरा नाम लिख देंगे, जो भी आपका नाम है। मैं आपको डेमो बता रहा हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे डेमो लिखा है। फिर आपको स्पेस देके लिखना है नंबर का कॉलम। उसमें आपको अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर लिख देना है, जो भी आपका नंबर है। उसके बाद आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट का कॉलम लिखना है। रिक्वेस्ट के कॉलम में बताना चाहता हूँ जो मैं आपको लिख के बता रहा हूँ वही सेम टू सेम मेरा कॉपी करके लिख लेंगे। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्लीज़ रिफंड माय HDFC क्रेडिट कार्ड पेमेंट एज सून एज पॉसिबल, और उसके नीचे आपको स्पेस देके लिखना है थैंक्स एंड वार्म रिगार्ड्स। फिर आपको ऊपर सब्जेक्ट के कॉलम में लिखना है उसी से रिलेटेड HDFC क्रेडिट कार्ड पेमेंट रिफंड रिक्वेस्ट, ये लिख दिए। ये सब कुछ लिखने के बाद सबसे लास्ट में आपको HDFC की ईमेल आईडी डालना है, जो 2 का कॉलम है उसमें। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना ईमेल अच्छे तरीके से चेक करना है। जो भी आपने यहाँ पे लिखा है वो प्रॉपर और करेक्ट होना चाहिए, उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। सब कुछ चेक करने के बाद यहाँ पे आप अपना ईमेल सेंड कर सकते हैं। सेंड करने के कुछ देर के बाद आपको रिप्लाई आ जाएगा कि आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो चुकी है और आपका HDFC क्रेडिट कार्ड पेमेंट जो है वो रिफ़ंड इनिशिएट होकर 24 आवर्स के अंदर मिल जाएगा। ये है पहला ऑप्शन, जहाँ पे आप ईमेल के थ्रू रिक्वेस्ट करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं और अपना रिफ़ंड ले सकते हैं। बात करते हैं सेकेंड ऑप्शन की। यहाँ पे आपको अपने बैंक के कस्टमर केयर से बात करना है और आपको बताना है जो भी आपकी प्रॉब्लम है, और वहाँ पे आपको HDFC क्रेडिट कार्ड पेमेंट रिफ़ंड करने का प्रोसीजर पूछना है। जो प्रोसीजर बताया जाएगा स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है, और वहाँ से भी आप अपना रिफ़ंड ले सकते हैं HDFC क्रेडिट कार्ड पेमेंट का। तो दोस्तों, आपको मैंने 2 अलग मेथड बताया है, इन दोनों में से कोई मेथड ट्राई कीजिए और अपना रिफ़ंड ले सकते हैं एनी टाइम। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका HDFC क्रेडिट कार्ड पेमेंट का रिफ़ंड इनिशिएट होके आपको मिल चुका है, और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर देना। ओके, बाय।